लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर किया था वो था 12.5 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज हम जो जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का जो अगला न्यूमेरिकल है 12.5 के बाद, दैट इज़ 12.6। तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा सवाल देखना ज़रूरी है, कल भी मैंने आपसे कहा था कि बुक आपके सामने होनी चाहिए, आप बुक में सवाल नहीं देखोगे आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। टू चार्जेज ऑफ टू एक्सपेरिमेंट -7 कूलम एंड -5 एक्सपेरिमेंट -7 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक है, कराची बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स, जिसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टू चार्जेज ऑफ टू एक्सपेरिमेंट -7 कूलम एंड -5 एक्सपेरिमेंट -7 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, और उसके बाद फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फॉर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये सवाल पकड़ो, अभी सवाल को ज़रा समझते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल कराची दो चार्जेज हैं जो बात हमें बता रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है बेटा, हाँ 12.6। डेट बताओ, 21 नवंबर या 22 अक्टूबर ना, कल मैच भी है, कितने बजे है। न्यूमेरिकल नंबर 12.6, दो चार्जेज हैं, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज क्या है बेटा Q2। पहला चार्ज कितना बताओ मैग्नीट्यूड, तो तुम लोग टाइम बहुत लगा दो यार। ये कितना है 2 एक्सपोनेंट -7 कूलम प्लस का माइनस का, और ये वाला कितना है -5 एक्सपोनेंट -7। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि ये प्लस माइनस सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल, ऐसा नहीं कहीं पर माइनस का तो माइनस साइन के साथ डाल लें, कहीं पर प्लस का है तो प्लस के साथ डाल लें, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट होता है, सही है। अब देखो सवाल में क्या कह रहे हैं, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस कितने फासले पर रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, है ना। दोनों के दरमियान का फासला कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं क्या, फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट मालूम करें लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो उन चार्जेस को एक लाइन से क्या कर रहा है ज्वाइंट, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, है ना। तो मैंने बोला कि यहाँ से मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, मैंने बोला वो पॉइंट पी है, वो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ये इसको क्या कर रहा है ज्वाइंट कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो ये Q1 2 एक्सपोनेंट -7 कूलम, Q2 -5 एक्सपोनेंट -7 कूलम, ये दो चार्जेस जिनके दरमियान का फासला 50 सेंटीमीटर गिवन है, आपसे क्या कह रहे हैं, आप एक ऐसा पॉइंट मालूम करिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जीरो हो, और वो पॉइंट इन दोनों चार्जेस को क्या कर रहा हो ज्वाइंट कर रहा हो। तो हमने ज्वाइंट करवा दिया, ये रहा हमारा चार्ज Q2, ये रहा हमारा चार्ज Q1, सही है। अब देखो Q1 से Q2 का फासला कितना है 50 सेंटीमीटर है या नहीं, यानी कि दो चार्जेस का फासला हमेशा क्या होता है बेटा R होता है या नहीं। अच्छा Q2 से P तक का फासला तो मेंशन नहीं है ना, तो हम इसको नाम दे देंगे किसका, अगर कुछ पता नहीं हो तो हम सिंपल क्या बोलते थे, वो फासला कितना है X। तो आपको एक्चुअली में X बताना है कि X कितना होगा, सही है। अब ज़रा इस बात को समझो, Q2 से पॉइंट P तक का फासला है X, तो Q1 से पॉइंट P तक का फासला कितना बनेगा R प्लस ये बनेगा ना, क्योंकि आपको वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है जहाँ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पहले वाले चार्ज से पी तक का फासला चाहिए होगा
और दूसरे वाले चार से भी पॉइंट पी तक का फासला चाहिए होगा, डिस्टेंस चाहिए होगा। तो पहले वाले चार से पॉइंट पी तक का फासला क्यू वन और क्यू टू का फासला आर पी तक जा रहा है, तो उसमें एक्स क्या करवा देंगे ऐड, तो ये बन जाएगा आर प्लस एक्स। और क्यू टू से लेके पी तक का फासला कितना होगा एक्स, बात क्लियर है ना, ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो। वैसे इसका हम सोल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है, हमने बोल दिया लेट पी बी द पॉइंट, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये कंडीशन हमें सवाल में की मैंने, वो बात हमने मेंशन कर दी कि पी वो पॉइंट है जो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो। अगर मैं आपसे बोलूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, तो आप बोलेंगे सर ई इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, यहाँ पर लिख देते नौ नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो क्या होगा ई इक्वल टू ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस। अब ज़रा बात को समझो, ई कितना है बेटा जीरो, तो ई की जगह जीरो इज इक्वल टू ई वन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने बताया था, ये बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर, सही है। अगर मैं ई वन को देखता हूँ तो ई वन के लिए क्या बनेगा के क्यू वन, क्यू वन से फासला पी तक कितना है, तो आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस ई टू, ई टू को अगर मैं देखता हूँ Q2 के लिए होगा तो ये क्या बनेगा K Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, लेकिन R क्या है इसका X, नहीं नहीं इसका सिर्फ X स्क्वायर बनेगा ना भाई। Q2 से पॉइंट P तक का फासला क्या X, Q1 से पॉइंट P तक का फासला क्या R प्लस X, तो जहाँ पर Q1 था उसके नीचे डिस्टेंस R प्लस X, जहाँ पे Q2 था उसके नीचे डिस्टेंस, क्लियर है ना, ये या नहीं क्लियर है। अब देखो ये जीरो है ना, मैं ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब के Q2 divided by x square is equal to K Q1 by R plus x का होल स्क्वायर, ये वाला K और ये वाला K, सही है नहीं। Q2 की वैल्यू व्हाट इज Q2, 5 एक्सपोनेंट माइनस 7 है या नहीं, तो Q2 की जगह 5 एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 की जगह Q1 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट माइनस 7, तो ये आ गया 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड बाई x r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्सपोनेंट माइनस 7 और ये एक्सपोनेंट माइनस 7 भी कैंसिल, सही है नहीं। तो ये इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये खुल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 2 को अगर इसमें x से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या आएगा बेटा 2 एक्स स्क्वायर, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। तो इसको मैं यूँ लिख दे रहा हूँ, देखो 5 और a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने खोल दिया मल्टीप्लाई में ले आकर के, आर स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स, ये बचेगा या कुछ और बचेगा, ये बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ये 5 इंटू आर आर स्क्वायर, 5 आर स्क्वायर प्लस का 10 आर एक्स प्लस का 5 एक्स स्क्वायर, सही है ना। इस 2 को अगर मैं उधर ले जाऊं, उधर 5 एक्स स्क्वायर इधर 2 प्लस का 2 उधर क्या हो जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर, और क्या बचा हुआ प्लस 10 आर एक्स प्लस का इज इक्वल टू जीरो। आर की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा 5 डिवाइड बाई 10 0.5 मीटर है ना, ये हमारे पास आर है 0.5। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 आर की जगह 0.5 और ये x और ये प्लस 5 0.5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर
प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 5x, और ये प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 को 5 से करेंगे 1.25, ये आ जाएगा 1.25 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। एस की दो वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस में। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव का नहीं होता, तो जो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा वो हमारा आंसर होगा। हमारा मीटर में आएगा, बुक में सेंटीमीटर में, आप एंड में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। बात की ले रहे तो हम यहाँ से क्या लगा देंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या, ये फार्मूला लगेगा। अब x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद 4, a कितना है बेटा 3, और c कितना है 1.25। कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे डिवाइड बाई क्या है 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, तो नीचे कितना आ जाएगा 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो सॉल्व करने के बाद s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.86 मीटर। आइदर और करने के बाद दो वैल्यू निकालोगे, एक वैल्यू आएगी 0.86 और एक दूसरी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो माइनस वाली को नहीं लेंगे हम, क्या ले लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बुक में सेंटीमीटर में। नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर सही है, कन्वर्ट कर दोगे तो भी आंसर, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना सेंटीमीटर में पूछ रहा है मीटर में, हमारा तो स्टैंडर्ड बना हुआ, हम मीटर में ही सॉल्व करते हैं, तो यही आंसर है हमारा, सही है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करवा देना, आपका ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात की ले रही है तो मसला हो जाएगा। ऑफ एक्सपेरिमेंट माइनस 5 कूलम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 50 वोल्ट पर मीटर, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड द काइनेटिक एनर्जी इट रिक्वायर्स व्हेन इट इज मूव 1 मीटर। सही है, यहाँ पे देखो सवाल में क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है कैरिंग अ चार्ज, क्वेश्चन नंबर 12.8 है, ठीक है ना, लिखा हुआ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट माइनस 5 कूलम, तो चार्ज कितना गिवन है, चार्ज कितना गिवन है बेटा, एक्सपेरिमेंट माइनस 5 कूलम यही गिवन है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 50 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गिवन है, वो कितनी गिवन है 50 वोल्ट पर मीटर। फिर उसके बाद क्या गिवन है, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड द काइनेटिक एनर्जी इट रिक्वायर्स व्हेन इट हैज मूव 1 मीटर। डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है वो 1 मीटर का। दो चीज़ें आपसे कह रहा है, बताइए कि सबसे पहले तो बताइए फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो एफ मालूम करके बताओ कि एफ कितना होगा, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करके बताओ कि ये कितनी होगी। सही है, सॉल्यूशन पर आते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैंने, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सीधा सीधा फार्मूला क्या है, एफ अपॉन क्यू, तो एफ मालूम करना है, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू क्यू, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू ई, व्हाट इज ई 50 मल्टीप्लाई बाई क्यू, वो कितना है एक्सपेरिमेंट माइनस 5, यही है ना, और कितना हो जाएगा अगर ये 0 को उधर कर देंगे 10 की पावर 1 प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, है ना, 5x माइनस का 4 ही बनेगा। f मालूम करना है, e इंटू क्यू हो गया, e कितना है 50, ठीक है, और q कितना है 10 की पावर माइनस 5, तो ये हो गया f इज इक्वल टू e इंटू क्यू, e की जगह e की वैल्यू, q की जगह 50 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो गया, ये बन सकता है 5 इंटू 10, बन सकता है ना ये वाला। अब 10 की पावर प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 बचेगा, ये आ गया फोर्स। अब क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या कर लेंगे 9 4, किसके लिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो एक्चुअली में किसके बराबर होता है वर्क डन, और वो किसके बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई बाई होता है ना, तो सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स 5 एक्सपोनेंट
माइनस फोर, डी कितना है वन, तो मल्टीप्लाई बाई वन, उसका मतलब जो फोर्स आई है वही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी कि फाइव एक्सपोनेंट माइनस फोर, एनर्जी की यूनिट जूल, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड 12.9। तो 12.9 में क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है ना। सवाल को देखो, कह रहा प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 होगा, बुक में लिखा हुआ प्लस 27, उसको माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, 1.67 एक्सपोनेंट 27, एक्सपोनेंट 24 तो अर्थ का मास है, एक्सपोनेंट 24, ये बोला है 27, तो ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस का 27 किलोग्राम, एंड चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, इसके दरम्यान हम क्या दे रहे हैं, एक वोल्टेज, यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे एक प्रोटॉन जो है उसको बैलेंस किया गया टू बी मोशनलेस, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से कहाँ होती है, यूँ होती है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जो एक प्रोटॉन के जो इसके दो प्लेट्स के दरम्यान में है, सवाल में क्या रखा हुआ है, कंडीशन क्या रखी हुई, इज टू बी हेल्ड मोशनलेस, वो मूव नहीं कर रहा, तो मतलब क्या स्टैटिक है, स्टैटिक है, तो इसका मतलब एक इसमें जो फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो इसमें कंडीशन बन रही है, तो कंडीशन ये बन रही है कि एक फोर्स कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, और दूसरा फोर्स का क्या होगा, वेट ऑफ द प्रोटॉन जो कि डब्ल्यू होगा, वेट कहाँ से आएगा, नीचे जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर जाए, और दोनों मिलके बैलेंस हो के क्या हो जा रहा है, मोशनलेस, दोनों क्या हो जा रहे हैं, मोशनलेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला एफ इजिकल टू क्या होता है, ई इंटू क्यू ना, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू के, तो एफ किसके बराबर होगा, तो ये फोर्स है ना, तो इसके जगह में फोर्स इलेक्ट्रिक है, और ये किसके बराबर है, ई इंटू क्यू इजिकल टू वेट, वेट का फार्मूला एम जी, सही है नहीं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं इवन है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ बेटा कितना दिया हुआ है, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, ग्रेविटी कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप क्या मालूम करके बताएं, वोल्टेज कितना प्रोवाइड करेंगे इस प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ से जो हम वोल्टेज दे रहे हैं इस बैटरी से, जो हम कनेक्शन दे रहे हैं वोल्टेज, क्या वोल्टेज देंगे जो ये चार्ज बैलेंस हो जाए, तो कंडीशन क्या बन रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है, ई इंटू क्यू, वेट का फार्मूला एम जी, और ई के बारे में और हमने पढ़ा हुआ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई किसके बराबर होता है, वोल्टेज, ये बराबर होता है ई डॉट डी के होता है, तो वी ई किसके बराबर हो जाएगा, वी अपॉन हो जाएगा ना, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जगह क्या रहेगा, वी अपॉन डी, और साथ में क्या है, चार्ज क्यू, क्यू एक्चुअली में किसके बराबर है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के, वो ई है, तो क्यू की जगह क्या रहेगा, ई, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, एम जी, मालूम क्या करना, वोल्टेज, तो अगर हम वोल्टेज को सेपरेट कर लें तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम
जी डी डिवाइडेड बाई ई, सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। V इज इक्वल टू मास 1.67 एक्सपोनेंट, सॉल्व करते जाओ, एक्सपोनेंट माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई जी यानी कि 9.8, और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना गिवन है बताओ, डिस्टेंस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, 0.1 मीटर कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0.1 और डिवाइडेड बाई ई यानी कि 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, बताओ वोल्टेज कितना आया 1.02। सही आया ना, ये बुक में भी यही है 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 8 वोल्ट, तो विच इज द रिक्वायर्ड वोल्टेज विच बैलेंस द प्रोटॉन टू बी मोशनलेस, ये वो वोल्टेज है जो इस प्रोटॉन को क्या करेगा मूव करने से रोकेगा, मोशनलेस रखेगा, बात क्लियर है। तो जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा बेटा 12.10, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? अच्छा, इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा था मैंने पहले बताया था ना, ये वाला सवाल भी 12.6, ये भी आपके पास पेपर में आया हुआ है, 12.5 ये भी पास पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला सवाल जो अभी हमने किया प्रोटॉन इज टू बी हेल्ड मोशनलेस, ये भी पास पेपर में आया, मतलब 12.9 ये भी आया हुआ है। अब कह रहे 12.10 ये भी पास पेपर में आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ स्मॉल स्फीयर ऑफ वेट 5x-3 न्यूटन, एक स्फीयर है जिसका वेट कितना बता रहे हैं, वेट 5x-3 न्यूटन वेट की मैंने, इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड 50 मिलीमीटर लॉन्ग, इसको एक थ्रेड से हैंग करवाया गया है, इसकी लेंथ कितनी है 50 मिलीमीटर, इसको हम चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50x-3 मीटर, और ये चेंज होके हो जाएगा 5x-2 मीटर, ये इसकी लेंथ है। आगे क्या लिख रहे हैं, इज अटैच्ड अ पॉइंट ऑन अ लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन व्हेन अ चार्ज ऑफ 6x-8 कूलम इज प्लेस ऑन द बॉल, चार्ज जो इंसर्ट करवाया जा रहा है स्फेरिकल बॉडी में वो करवा रहे हैं 6x-8 कूलम, 6x-8 कूलम इज प्लेस ऑन द बॉल एज सच द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इस तरीके से एंगल कितना बना लेता है थ्रेड 30 डिग्री का। आपसे क्या पूछ रहे हैं, विद द वर्टिकल व्हाट इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन, आपको मालूम करना है कि बताइए चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा कितना होगा, व्हाट शुड बी द चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। अभी सवाल के मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जरा इसको और से देखो, या इसके लिए मैंने कंडीशन बना दी कि एक सोर्स है, यहाँ से एक स्फेरिकल बॉडी को जिसका वेट कितना है 5x-3 न्यूटन हैंग करवाया गया है, सही है। इसके साथ क्या लगाया गया, एक लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन यहाँ पर, बिल्कुल क्या कहना है इसके साथ, लार्ज चार्ज, ये चार्ज प्लेन है, ठीक है। जैसे ही ये लगाते हैं इसके अंदर क्या डालते हैं, एक चार्ज, अ चार्ज इज इंसर्टेड क्यू, वो इसके अंदर डाला गया, कितना डाला गया 6x-8 कूलम, एंड इट इज फाउंड दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये क्या कर लेता है 30 डिग्री का एंगल बना लेता है वर्टिकल के साथ, थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री वर्टिकल के साथ, ये चार्ज यहाँ पर आ गया इस जगह से, सही है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो आपके पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी की मैंने 50 मिलीमीटर, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और क्यू हमारे पास कितना है 6x-6 कूलम, ठीक है। तो आप बताएं कि उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सवाल क्लियर है। जब ये रिपेल हुआ चार्ज कैसा डाला गया था बेटा 6x-8 कूलम, चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन जो होगा वो भी कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव, जब भी इसके अंदर रिपल्जन की वजह कर ये एक एंगल बनाएगा 30 डिग्री का, अगर नेगेटिव का प्लेन होता तो इसको अट्रैक्ट कर लेता,
पॉजिटिव का चार्ज नेगेटिव का प्लेन एक दूसरे को क्या कर लेते अट्रैक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा रिपल्शन। बोल रहे कि चार्ज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 degrees विद द वर्टिकल, तो इसका मतलब इस वाले इंसुलेटिंग प्लेन पे चार्ज ये नहीं बताया था पॉजिटिव या नेगेटिव, हमने देखा रिपल्जन हो रहा है एंगल बन रहा है 30 degrees का, चार्ज कैसे डाला है पॉजिटिव, तो प्लेन पे चार्ज कैसा आया होगा पॉजिटिव जब ये रिपल्जन हुआ और एंगल कितना बना 30 degrees का। अब ये सवाल जो मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन नंबर 12.5 मेरे ख्याल में था जिसमें हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया था, याद होगा आप लोगों को प्रीवियस कल वाले सवाल था जिसमें हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया था। अब ये चार्ज इतने फासले पर आ गया 30 degrees और यहाँ पे ये कौन सी हालत में है, इस पोजीशन पे ये कौन सी हालत में है रेस्ट, जिसका मतलब कैसे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐड कर रहा होगा ना जब ये रेस्ट की हालत में, इस प्लेन के दरमियान और इस चार्ज के दरमियान क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसको उधर खींच के रखा हुआ है रेस्ट की हालत में। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका चेक करते हैं, ये आ गया इसका गिवन, ये हमारा रिक्वायर्ड है, मालूम क्या करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा, सॉल्यूशन पर आ गए हम क्या जानते हैं सिंस एक लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन का जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है सिग्मा ओवर 2 epsilon naught इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन में ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था E = हमने एक उसमें से सिलेंड्रिकल बॉडी गुजारी थी उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये आया था सिग्मा ओवर 2 epsilon naught ड्यू टू अ सिंगल शीट चार्ज। अगर दो प्लेट होते तो दो प्लेट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है सिग्मा ओवर 2 epsilon naught, एक सिंगल प्लेट की कितनी होती है सिग्मा ओवर 2 epsilon naught होती है ना। और हम ये बात भी जानते हैं कि ई किसके बराबर है F/Q के, तो हम ये बात भी लिख देंगे एंड जो ई है वो किसके बराबर है बेटा F/Q, तो देयरफोर यार इक्वेशन कैसी सेट हो जाएगी ई गिरेगा F/Q आ गया और इधर क्या है सिग्मा ओवर 2 epsilon naught, मालूम क्या करना है सिग्मा, मालूम क्या करना है, तो ये फॉर्मूला कैसे सेट होगा σ = F/2 epsilon naught डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला बनेगा F/2 epsilon naught डिवाइड बाई क्यू, यही बनेगा। अब F/2 है मैं यहाँ F/2 भी ले देता हूँ डेटा में, वो कितना होता है 8.85 × 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, 8.85 × 12 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे ज़रा चेक करो इस फार्मूले में क्यू है, हाँ है F/2 है यस, 2 तो कॉन्स्टेंट में, F नज़र आ रहा कहीं पे नहीं, तो F ही पंगा कर रहा है, तो F मालूम करेंगे नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो वेट है इसका, इसका वेट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसको मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर क्या 1। हम क्या लिखेंगे नाउ फॉर किसके लिए F मालूम करना है, क्या मालूम करना है F, डायग्राम पे वापस आ जाओ ज़रा यहाँ पे देखो इधर ये इंसुलेटिंग प्लेन इस पर क्या लगा रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, ज़रा बात को समझना, ये बात मैंने लास्ट टाइम भी समझाई थी कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ज़रा देखो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जहाँ तक इंसुलेटिंग प्लेन है, जहाँ पर चार्ज इनिशियल पोजिशन पर था वो पॉइंट ये था, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से मैं अगर ये ड्रॉ कर दूँ तो पता लगेगा कि ये वाई एक्सिस आ गया इसका, कि जो आपका वेट है या चार्ज है वो वाई एक्सिस पर भी है, और यहाँ से ले करके एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ अगर तो यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या होगा एक्स, तो इसका मतलब वाई पे भी है और एक्स पे भी है, तो इसका मतलब इस चार्ज के अंदर जो फोर्स ऐड कर रहा है वो अलोंग दी वाई डायरेक्शन भी और एक्स डायरेक्शन भी है। आपने पढ़ा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हेन टू और मोर देन टू फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एज सच द बॉडी रिमेंस एट रेस्ट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, जब किसी बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्स ऐड करे उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट कौन सी हालत में रहे रेस्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं
इक्विलिब्रियम, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना। तो देखो हाँ, जिसमें बॉडी किसमें होती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब पता ये चल रहा है कि बॉडी के एक्स डायमेंशन में भी फोर्स लग रहा और वाई डायमेंशन में भी। एक्स डायमेंशन में फोर्स ये लगा, तो ये फोर्स लगने के बाद तो बॉडी आगे जाते रहती ना, लेकिन जा नहीं रही है। क्यों? चूँकि नहीं, चूँकि इसके इस डायरेक्शन में भी क्या लग रहा है फोर्स। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसी सेटिस्फाई होता है। ये कौन सा होगा? टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा क्यों? चूँकि स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो स्ट्रिंग का टेंशन। कॉस थीटा क्यों? चूँकि एक्स एक्सिस के लिए फंक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉस थीटा। तो एक फोर्स लग रही है राइट वर्ड में, उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड में जो फोर्स लग रही है वो क्या है? टी कॉस थीटा। सही है। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पे क्या रहेगा? स्टैटिक रहेगा, रुका रहेगा। इसी तरीके से ये वेट ऑफ दी क्या है? चार्ज। यहाँ पे इसका वेट कहाँ ऐड कर रहा होगा बेटा? नीचे। वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर। तो ये वेट आ गया। अब ऊपर क्या ऐड कर रहा होगा स्ट्रिंग के ऊपर? टेंशन, है ना। स्ट्रिंग भी क्या होता है? हमेशा टेंशन खिंचाओ, और वो टेंशन किसके बराबर होगा? टी साइन थीटा। चूंकि वाई एक्सिस के लिए साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन तो जब होता है जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे हो, जैसे मार्कर मेरे हाथ में, वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ये तो सरफेस पे है ही नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, और ये टेंशन किस पे लग रहा है? इस वाले स्ट्रिंग के ऊपर, खिंचाव है ऊपर की तरफ। किस एंगल से? 30 डिग्री के एंगल से। टी साइन थीटा। बात क्लियर हुई है? तो अगर हमें एफ मालूम करना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डायग्राम में बात क्लियर है? तो क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्या? इक्विलिब्रियम। सही है। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे, जो कि क्या कहता है? दैट इज क्या कहता है वो? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। फोर्स कौन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स और वाई। तो पहले क्या कर लेंगे? फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए। सही है। एक्स डायरेक्शन के लिए अगर हम करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक एफ और टी कॉस थीटा, और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए। चूंकि जो उधर से फोर्स लग रही भाई, दोनों फोर्स बराबर है, तो दोनों की रिलेशन क्या, दोनों का रिलेशन क्या बनेगा? इक्वल। एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। सिमिलरली किसके लिए कर लेंगे? हाँ, सिमिलरली फॉर बाई डायरेक्शन। तो जब बाई डायरेक्शन के लिए करेंगे तो जरा गौर से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? बाई डायरेक्शन के लिए, बाई डायरेक्शन में एक वेट है और दूसरा क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू टी। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर बी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी सॉल्व करेंगे ताकि टेन थीटा बने। तो नीचे वाली इक्वेशन ऊपर आएगी, मतलब टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा। ऊपर रखा है तो टी साइन थीटा के बराबर में क्या है? वेट। वो भी कहाँ आएगा? इस तरफ ऊपर। और टी कॉस थीटा के बराबर में क्या है? एफ। और वो कहाँ है? नीचे। तो एफ कहाँ आएगा? नीचे। ये बात क्लियर है? ऐसा क्यों बनाया? ताकि टेन थीटा का फंक्शन बन जाए। ये वाला टी और ये वाला टी, साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? डब्ल्यू डिवाइड बाई, मालूम क्या करना है? एफ डिवाइड बाई डब्ल्यू, और उसके बाद टेन थीटा कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है। यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है एफ मालूम करने के लिए। वेट हमें पता है, टेन थीटा भी हमें पता है, लेकिन थीटा ज़रा देखो कौन सा है? इस पॉइंट के साथ का थीटा है। एंगल कहाँ पर है? वर्टिकल के साथ। हमारा चार्ज कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। हमारे चार्ज का एंगल क्या बनेगा? ये वाला थीटा। हम इस वाले थीटे को नहीं लेंगे, हम इस वाले एंगल को क्यों लेंगे? चूंकि ये वर्टिकल के साथ है, हमारा चार्ज तो इस पॉइंट पर है, तो ये वाला एंगल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर थीटा, फॉर थीटा। थीटा बार किसके बराबर होता है? 90 माइनस, चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर मैं बोल दूँ ये ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो एक कैसा ट्राइंगल बन रहा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो थीटा बार इक्वल टू 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा माइनस करवा दो 30, तो हमारे पास थीटा बार कितना रहेगा? 60 डिग्री ना। अब यहाँ पुट कर दो, पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव
यहाँ पे मैं बार लगा दे रहा हूँ, ठीक है, पुट इन अबव इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू w की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 5x⁻⁷ डिवाइडेड बाई 10 थीटा बार, थीटा बार हमारे पास 60 है, तो नीचे क्या आएगा 10 60, मारो डिवाइड, 5x⁻³ डिवाइड बाई 10 60, फाइव एक्सपोनेंट माइनस थ्री डिवाइड बाई 10 60 आ जाएगा, सही बता रहे हो ना, 2.88 एक्सपोनेंट माइनस थ्री न्यूटन। तो ये फोर्स आ गई जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अप्लाई हो रही है, 2.88 एक्सपोनेंट माइनस थ्री न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। एफ आ चुका है, सारे वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आगे, सही है, इधर देख लो, पुट ऑल इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, वो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ, एफ कितना है बेटा, 2.88 एक्सपोनेंट माइनस 3, 2.88 एक्सपोनेंट माइनस 3, और उसके बाद क्या है हमारे पास 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट यानी कि 8.85, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस 12 डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू कितना है हमारे पास 6 एक्सपोनेंट माइनस 8, तो ये हो गया 6 एक्सपोनेंट माइनस 8, चलो डिवाइड करवाओ, बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आ रहा है, कूलम 8.49 एक्सपोनेंट, बुक में भी यही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज होना यूनिट एरिया है ना, चार्ज होना यूनिट एरिया, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, बात क्लियर है, ये कोई मसला है, चलो कर लो इसको पिशाबश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 12.11, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.11, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर स्फीयर्स ईच ऑफ 10 ग्राम, सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बी बैलेंस्ड बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जो है वो बैलेंस हो रहा है किसकी वजह कर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह कर, सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बी बैलेंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ये पकड़ो, सबसे पहली बात जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 12.11 क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो स्टैटिक रिपल्जन बैलेंस बाय द, ये लिखा हुआ है ना, तो वो कंडीशन हमने पहले लगा दी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्फीयर दो हैं, दोनों के मासेस सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है, और कोई डिस्टेंस वगैरह दिखाना सवाल ज़रा, दोनों का मास जो वो 10 ग्राम है, ईच हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 1000, तो ये हो जाएगा 0.01 केजी, सही है, सो दैट द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन भी बैलेंस बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, यह हमें गिवन है, रिक्वायर्ड में क्या मालूम करने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं,
कंडीशन क्या है, ये कंडीशन यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये गिवन कंडीशन है, इलेक्ट्रो स्टैटिक रिपल्जन इज इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, ये गिवन है कंडीशन, तो हमने गिवन में लिख दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये कंडीशन हमें गिवन है। एन बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे पहले ये बात सुन लो कि एन बताने के लिए याद रखना है कि क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, क्या होता है, तो एन किसके बराबर होगा, क्यू बाई ई, क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं ई भी ले देता हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19, चाहे इलेक्ट्रॉन का चाहे प्रोटॉन का दोनों का चार्ज सेम। एक बात और इम्पोर्टेंट सुनो, अगर एक चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 6.25 एक्सपोनेंट 18, कितनी होती है, एक कूलम के चार्ज में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 6.25 एक्सपोनेंट 18। अगर हमें क्यू पता लग जाए कितना है, एक में इतना है, फर्स्ट को लो 5 आ रहा है, क्यू की वैल्यू 5 आ रही है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 6.25 एक्सपोनेंट 18। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 6.25 एक्सपोनेंट 18। अगर मेरा फर्स्ट कर लो चार्ज की वैल्यू आई 200, कितनी आई, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 200 से, तो क्यू आ जाएगा ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक चार्ज में हमारे पास इतना एन है, अगर हमारे पास 200 जो है वो चार्ज हो, तो इस नंबर को जो हमारे पास है उसको अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा क्या, ये फॉर्मूला याद रखो, एन इजिकल टू क्यू बाई ई या क्यू इजिकल टू एन ई, ठीक है, तो एन किसके बराबर होगा, क्यू बाई ई। तो सॉल्यूशन की तरफ मैं जाता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड में एन मालूम करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, सिंस एन किसके बराबर है, क्यू बाई ई, नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर, जहाँ चार्ज आएगा हमारे पास एन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एस पर कंडीशन ये सॉल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एन का फार्मूला ये है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है ना, रिपल्जन ये क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई, और ये किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाई, ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू वन इंटू क्यू टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एम वन और एम टू दोनों मासिस भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कोई मसला, एम स्क्वायर, सही है, इस कंडीशन को हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या मालूम करना है, क्यू, तो ये देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, के, यही होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई के, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट जी एम स्क्वायर बाई, इसको नाम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। जी हमें पता है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, या कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, मास हमें पता है, और के के कितना होता है, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दे क्यों क्या हो जाएगा, जी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एक्सपोनेंट -11 एम स्क्वायर, एम कितना है, 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, के कितना है, 9 एक्सपोनेंट 9, इस पूरे पे क्या लगेगा, रूट, तो बताओ क्यों कितना आया,
सही बता रहे हो ना, 8.6 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम, ये क्यों आया? अब चूंकि फार्मूला मैंने क्या बताया, बता एन के लिए क्यू बाई, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 9 फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एन किसके बराबर है, क्यू बाई ई के, तो क्यू कितना है 8.6 एक्सपोनेंट माइनस 12 डिवाइड बाई चार्ज, ये होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो बताओ एन कितना आया, कितना 5.4 सही आ रहा है, 5.4 एक्सपोनेंट 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, 5.4 एक्सपोनेंट 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव इन दिस केस, सही है। अब देखो जो क्यू आर है ना 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 12, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके देखो, ये आंसर आएगा 8.6 एक्सपोनेंट माइनस 12 को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आना चाहिए, 8.6 एक्सपोनेंट माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय दिस, सेम आंसर आ रहा है ना। तो एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की तादाद इतनी, हमारा चार्ज ये आया 8.6 एक्सपोनेंट माइनस 12, तो इस चार्ज को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, बात क्लियर है ये। तो यह आज हमारा हो गया 12.6 से लेकर के 12.11 तक, सही है। इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, सही है।